सभी को आज मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे और आपका कुशल क्षेम मिलता रहता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से। आज आपके लिए हम एक प्लांट ऐसा लाए हैं जो कि एक श्रब है और इसका उपयोग घरों में नेचुरल कलर के रूप में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल और कॉस्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में विशेष इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग डाई इंडस्ट्री में भी किया जाता है, फाइबर को रंगने के लिए भी। और अच्छी बात यह है कि एडिबल होता है। इसका हम सिंदूरी के नाम से जानते हैं, साइंटिफिकली इसको बिक्सा ओरिलाना के नाम से जाना जाता है। बिक्सेसी फैमिली का है, अनंतो ट्री भी इसी को ही कहते हैं और लिपस्टिक ट्री भी इसको ही कहा जाता है, क्योंकि इसके जो नेचुरल कलर होता है वो कलरिंग के में काम में आता है और एडिबल भी है। सिंपल इसके लीव्स हैं, सीड के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन हो जाता है सहजता से। आप इसकी पॉड को देखेंगे, इसकी पॉड के अंदर नेचुरली ये बीज होते हैं जो नेचुरल कलर होता है, ये एडिबल होता है। और देखिए कितना डार्क इसका कलर हो जाता है। इसको सिंदूरी भी इसलिए कहा गया है, सिंदूर जैसा इसका कलर है। बहुत न्यूट्रास्यूटिकल इसका पोटेंशियल होता है इसके बीजों का। और इसके जो ये नेचुरल कलर है इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी पाई गई हैं। विभिन्न प्रकार के भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले फूड आइटम्स में नेचुरल कलर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर बिक्सिन नाम का जो कलरिंग मैटर है ये पाया जाता है, नॉरबिक्सिन, जियाजेंथिन, लूटिन पाए जाते हैं। और इसका जो बीज होता है इसमें न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ पर्गेटिव प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो कि पेट को साफ करने का कार्य करते हैं। इसका जो पत्र होते हैं, पत्र के इन्फ्यूज़न का इस्तेमाल हम लोग जॉन्डिस में करते हैं, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के कारण ही इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ में भी किया जाता है, डायबिटिक पेशेंट को हील करने के लिए। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी इसके लीव्स के इन्फ्यूज़न में देखी गई है। इसकी जो छाल होती है, तने की छाल और इसकी मूल की जो छाल है उसका हम काढ़ा बनाकर अगर दें तो विभिन्न प्रकार के फीमेल हार्मोन को रेगुलेट करने का कार्य करती है और बहुत सारी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका हम बीजों का पेस्ट बना लें तो बहुत स्किन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि एंटी फंगल एक्टिविटी भी इसके बीजों में पाई गई है, तो इसका पेस्ट बनाकर हम आसानी से इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। होली के लिए नेचुरल कलर भी इसके सीड्स को पीस कर तैयार करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बिक्सिन नाम का नेचुरल जो कलरेंट है ये निकाला जाता है। और बहुत सारे बायोफ्लेवोनॉइड, फिनोलिक कंपाउंड भी इसके अंदर पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण जो एंटी कैंसरस एक्टिविटी अपनी शो करता है। फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए प्लांट के साथ, बहुत औषधीय गुण ये रखता है। और नए प्लांट में फिर हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हर्बल रेमेडीज़ आपके स्वास्थ्य के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आपको प्लांट पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।